नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज़ 19। आज हम आपको बताएंगे कि आधुनिक जनप्रतिनिधियों और नगर निगम पूर्णिया के प्रशासन की लापरवाही कितने चरम पर है। यहां सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी को इस बात का कोई इत्तला नहीं है कि जनवरी माह में जिस कार्य योजना की निविदा निकाली गई, उस योजना का कार्य अब तक प्रारंभ क्यों नहीं हुआ। इन सब बातों को जानने के लिए आप हमारे न्यूज 19 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटी को टच कर लें, ताकि हर छिपी और दबी हुई खबरें आप तक आसानी से पहुंचती रहे। आप सबों को याद होगा, और यदि याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला देता हूं कि इसी वर्ष यानी 8 जनवरी 2021 को नगर निगम पूर्णिया द्वारा सड़क और नाला के निर्माण को लेकर करीब 90 ग्रुप की निविदा निकाली गई थी और 10 फरवरी 2021 को निविदा खोली गई, कार्य आवंटन भी हुआ, लेकिन सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ आज भी नहीं हो पाया। जबकि सड़क निर्माण को लेकर तकरीबन सभी सड़कों का शिलान्यास कर लिया गया, यानी शिलापट्ट के सामने नारियल फोड़ा जा चुका है, फोटो सेशन हो गया, लेकिन आज तक सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया। आखिर क्यों नहीं हो पाया निर्माण कार्य प्रारंभ? तो इस बात को जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि इतने लापरवाह हैं हमारे आधुनिक जनप्रतिनिधि और निगम प्रशासन। कार्य प्रारंभ होने में हुई देरी की क्या वजह बता रहे हैं पूर्णिया नगर निगम के नगर आयुक्त, तो जरा सुन लीजिए उनको। 8 जनवरी को निविदा निकाली गई थी सड़क और नाला बनाने के लिए, और 10 फरवरी को डिसाइड हुआ टेंडर, उसके बाद शिलान्यास भी हुआ, लेकिन सड़क आज तक नहीं बन पाई है। क्या कारण है सर? एक्चुअली जितनी योजनाएं ली गई थी उन योजनाओं के हिसाब से हम लोगों के पास राशि उपलब्ध नहीं थी, तो इसीलिए राशि की अनुपलब्धता के चलते हमने किसी भी काम का एग्रीमेंट नहीं किया। अब हम लोग को स्टाम्प ड्यूटी का जो 10 से 11 करोड़ रुपया हम लोग को मिला है, उतनी राशि पहले से भी हम लोग के पास उपलब्ध है, और कुल मिलाकर के जितने हम लोग स्कीम लिए हुए हैं उस स्कीम को पूरा करने के लिए हम लोग के पास राशि उपलब्ध हो चुकी है। तो देखिए, सारा स्कीम उसका फाइल रखा हुआ है और एक दो दिन के अंदर हम इसमें वर्क ऑर्डर इशू कर देंगे और सारे जितने भी निविदा के माध्यम से काम कराए जाने हैं सारे कार्य प्रारंभ होंगे। क्या उम्मीद किया जा सकता है कितने दिनों में ये कार्य प्रारंभ? क्योंकि कोई भी स्कीम बड़ी स्कीम नहीं है, इसलिए 2 से 3 महीने के अंदर सारी स्कीम्स पूरी हो जाएंगी। तो सुना आपने, जिस वक्त निविदा निकाली गई उस वक्त निगम प्रशासन के पास राशि उपलब्ध नहीं थी, बावजूद निविदा निकाली गई। और यहां लापरवाही देखिए कि अब तक कार्य प्रारंभ होने के लिए एग्रीमेंट भी नहीं किया जा सका है। हालांकि नगर आयुक्त ने कहा है कि 2 से 3 दिनों के अंदर सभी कार्यों का एग्रीमेंट कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा और सभी योजनाओं का काम भी 2 से 3 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन इस बीच सवाल उठता है कि निविदा निकालने में इतनी तत्परता क्यों, और जल्द कार्य प्रारंभ हो इसके लिए इतनी लापरवाही क्यों? शायद नगर निगम के जनप्रतिनिधियों को सिर्फ फोटो सेशन में ही दिलचस्पी है। मौका चाहे जो भी हो, अवसर कैसा भी हो, बस मेरी एक तस्वीर छप जानी चाहिए। क्या सिर्फ इसके लिए ही काम किया करते हैं पूर्णिया नगर निगम के जनप्रतिनिधि? और ऐसे में इधर समय पर सड़क निर्माण पूरा नहीं हो पाने के कारण जनता को हो रही परेशानी का जिम्मेवार किसको ठहराएगी स्वयं जनता? बहुत बहुत धन्यवाद।